दोस्तों, Vivo V5 अनबॉक्सिंग करने से पहले कुछ इसके फीचर्स को जान लेते हैं कि वो किस तरीके का है। इसका जो प्राइस अभी जो चल रहा है वो है 16,990 रुपये, और इसके अंदर में जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर जो है मीडियाटेक प्रोसेसर है, और मीडियाटेक प्रोसेसर 6750 प्रोसेसर जो रहता है वो है, कोई एक एडवांस वर्जन तो नहीं है। लेकिन इसे अगर आपको देखना है तो CPU-Z नाम का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डालकर आपके प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर में 4GB RAM है, लेकिन 4GB जो है DDR3 RAM है, DDR2 अभी 4 का जमाना चल रहा है लेकिन इसमें DDR3 RAM है। उसके अलावा जो है इसके अंदर में 720p का वीडियो कैप्चरिंग है, यानी सिर्फ HD रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं इसके अंदर में। लेकिन ये फोन का जो इम्पोर्टेंट है, वो जो फोन जो काफी ज्यादा चल रहा है वो सेल्फी की वजह से चल रहा है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो 3000 mAh का बैटरी बैकअप है, और इसका जो बैटरी बैकअप के अलावा जो इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 20 MP का कैमरा है, बहुत ही शार्प कैमरा है। लेकिन इसके अंदर में जो बैक कैमरा है वो 13 MP का कैमरा है, और इसका जो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉइड का मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम। और फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा है काफी ज्यादा स्ट्रांग है और काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और इस मोबाइल की और भी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। कि इसके अंदर में अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है इसके बॉक्स के ऊपर में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, जैसा कि उसका फिंगरप्रिंट सेंसर उसके अंदर में है, फ्रंट फिंगरप्रिंट्स बटन उसके अंदर में अवेलेबल है, उसके बाद में 4GB की रैम है और वगैरह, उसके बहुत सारे फीचर्स वहाँ पे दिए गए। तो अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए हमें एक ब्लेड लेना है। ब्लेड के थ्रू हमें चारों साइड से जो उसका पॉलिथीन पैक से जो पैक किया गया है उसे निकालना है ब्लेड से, और उसके बाद में उसे नीचे साइड में खींचना है, या फिर पॉलिथीन निकालने के बाद में हमें उसे बाहर निकालने के बाद में उसे उस मोबाइल को हम बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद देखेंगे कि मोबाइल के बॉक्स में जो मोबाइल है उसके ऊपर में कवर लगा हुआ है, उस कवर को हमें पहले बाहर निकालना है, यानी कवर से बाहर हम मोबाइल को निकालेंगे। पॉलिथीन का एक कवर है, प्लास्टिक का कवर, उसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद में वीवो V5 जो मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर में एक चीज़ देखेंगे कि कुछ और भी इस बॉक्स के अंदर में कुछ चीज़ें आई है, जैसा कि उसके अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सिम लगाना है तो सिम लगाने के लिए सिम स्लॉट को बाहर निकालने का एक चीज़ है। उसके बाद में उसका बैक कवर दिया गया है, उसके बाद में एक उसका ब्राउशर दिया गया है, उस ब्राउशर में उसकी डिटेल है। अब ब्राउशर के अंदर में ये है कि ये जो ब्राउशर के साथ साथ में एक पिन दी गई है, वो पिन के थ्रू हमें सिम बाहर निकालना है। और सिम निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना ये है कि वो पिन को लेंगे और साइड में जो पिन बटन बारीक सा एक होल नज़र आ रहा है उसके अंदर में पुश करेंगे। जैसे हम उसे पुश करते हैं तो आपका सिम स्लॉट जो है वो बाहर आएगा, जिसे सिम ट्रे कहते हैं। सिम ट्रे के साथ साथ में उसका एक मेमोरी स्लॉट भी है। अगर आप दो सिम चलाते हैं तो सिर्फ एक एक दो सिम अगर चलाते हैं तो मेमोरी कार्ड नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम दो सिम चलाते एक सिम चलाते हैं तो एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके अंदर में जो है 32GB की इंटरनल मेमोरी है, इसमें 64GB भी है, 32 भी है, और 20 MP का जो कैमरा है, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है। हमें वहाँ पे सबसे पहले देता है कि आपको ईमेल आईडी डालना है। सिम लगाने के बाद में एक चीज़ याद रखनी है कि आपको इंटरनेट ऑन रखना है। वहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट डालेंगे, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है, उसके बाद में हम डालेंगे वहाँ पे आपका पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस वेरिफिकेशन कोड पे हम ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक ले लेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट बटन हम क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट जैसा कि वहाँ दिखाई दे रहा है, फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। कुछ सेटिंग्स दिखा रहा है कि कुछ सेटिंग्स आपको अगर करनी है, यानी GPS वगैरह ऑन रखनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आएगा, उसे हम जैसे क्लिक कर लेते हैं तो आपका मोबाइल लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वीवो V5 जो है दिखेगा। अब जो वीवो V5 में अगर कुछ गलती से हमारे यहाँ से एक बटन दब जाता है जिससे आपका जो स्क्रीन है प्रॉपरली अगर नहीं दिखाई देता है, तो वो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, जिसे हम रीड मोड बोलते हैं। जैसा कि आपका जो मोबाइल है इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉपरली उसका कलर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें जो करना ये सेटिंग्स ऑप्शन में डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद में जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में
उसे जो है मैनुअल मोड जो है उसे निकाल देना है। मैनुअल मोड को हम बंद कर देंगे, जैसे ही हमने मैनुअल मोड को स्टार्ट किया तो आपका जो स्क्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा, यानी फैंट दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अगर हम मैनुअल मोड डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद में हम अगर उसका मैनुअल मोड जो ऑप्शन है उसे अगर हम सेंड कर दें, चेंज कर दें, एग्जाम्पल के तौर पे हम फिर से जाते हैं डिस्प्ले ब्राइट मोड और नेक्स्ट ऑप्शन नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक करके जो है इसको मैनुअल को बंद कर देते हैं, तो जैसे ही हमने उस बटन को ऑफ किया तो आपका जो मोबाइल है वो ओरिजिनल पुराने फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी आपका जो स्क्रीन है जिस तरीके से पहले हमने लिया था उसी तरीके से दिखाई देने लगे। तो ये एक फीचर इसके अंदर में है। उसके बाद में इसमें जो है 20 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर में सेंसर दिया गया है। सोनी का ये कैमरा है, सोनी का काफ़ी बेहतरीन कैमरा है, और इस कैमरे की खासियत ये है कि इसका जो सेल्फी होता है काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। इस तरीके से जो है ये आपका वीवो 5 जो मोबाइल है, वीवो V5 जो मोबाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रेक्टिव है। उसके अलावा इसके साथ साथ में गिफ्ट आपको मिल रहा है, 16,999 में हम लेने के बाद में आपको एक गिफ्ट मिलता है, जो बड़ा सा एक हेडफोन आपको इसमें मिलता है। उसके बाद में बैक स्टिकर होता है और एक वाटर की बॉटल होती है, वीवो की वाटर बॉटल, जो कूलिंग बॉटल जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद में जो है इसमें एक चीज़ होती है जो आपका मोबाइल है उसके पीछे एक स्टिकर जैसा बटन होता है, उस पर हम लगाकर जो है अगर फिंगर उसके अंदर रखते हैं तो हम बात कर सकते हैं, एक ऐसा एक डिवाइस उसके साथ में मिल रहा है। उसके बाद में जो है वीवो का आपका हेडफोन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हेडफोन है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसका वॉइस है। तो इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके।